हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मछली का सालन। इसके लिए मत्ती मछली है ये, 1 किलो लेके अच्छे से साफ़ करके इसको पानी में रख ली हूँ, और 1 मुट्ठी भर इमली लेके इसको गर्म पानी में भिगा कर रख ली हूँ। और ये बघार के लिए है। तेल ली हूँ, 1 चम्मच तेल का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा करी पत्ते 6 से 7 हैं ये। एक छोटा मीडियम साइज का प्याज इस तरह से कट करके रख ली हूँ। 2 हरी मिर्चें, बस 1 पाव स्पून जितनी मेथी दाना, और ये मसाला पेस्ट के लिए है। 1 मुट्ठी भर धनिया लेना है, थोड़ा ज़्यादा ही लीजिएगा। 1 मुट्ठी भर के लिए हूँ मैं, 1 आधा कप फ्रेश कोकोनट ली हूँ, 1 बड़ा सा इसका प्याज, 1 3 टमाटर और 6 से 7 कलियाँ लहसुन के लिए हूँ। इनको सब पेस्ट बना लेंगे हम पीस के। ये पाउडर मसाले हैं, 2 स्पून मिर्ची पाउडर, 1 स्पून जीरा मेथी पाउडर, 1 स्पून नमक, 2 स्पून धनिया पाउडर, 1/2 स्पून गरम मसाला, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर। बस इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमको। देखिए, इसको हम अभी पेस्ट बना लेंगे। पहले हम कोकोनट ऐड करके, पहले कोकोनट को पेस्ट बना लेंगे, फिर बाकी चीज़ें बाद में ऐड करेंगे। देखिए, कोकोनट को पेस्ट बनाने के बाद इसमें टमाटर, प्याज, लहसुन और धनिया पत्ता का ऐड करके थोड़ा पानी ऐड करके पेस्ट बना लेंगे। देखिए, इस तरह का पेस्ट बना के रख लेंगे। देखिए, मैं एक पॉट रख चुकी हूँ, उसमें फ्लेम ऑन कर चुकी हूँ। अब इसमें तेल ऐड कर देंगे। देखिए, तेल गरम हो चुका है, इसमें पहले मेथी दाना ऐड कर देंगे। आप चाहे तो थोड़ा राई भी ऐड कर सकते हो इसमें, और इसमें प्याज, मिर्ची और करी पत्ता ऐड कर देंगे। देखिए, हल्का 1 मिनट भुनने के बाद पाउडर मसाले ऐड कर देंगे। पाउडर मसाला ऐड करने के बाद इसको एक बार अच्छे से मिक्स करके हम ये मसाला पेस्ट भी ऐड कर देंगे इसमें। ये मसाले को भी 2 मिनट के लिए अच्छे से हम भून लेंगे। देखिए, मसाला 2 मिनट भूनने के बाद अब इसमें हमें इमली का पानी निकाल के ऐड कर लेंगे। इस तरह से इसका छिलके निकाल के डालेंगे। इमली का पानी ऐड करने के बाद नॉर्मल पानी ऐड कर लेंगे इसमें, 1/2 लीटर जितना पानी ऐड कर लेंगे। कंसिस्टेंसी देख के ऐड करेंगे। देखिए, और गाढ़ा है, और पकने के बाद गाढ़ा हो जाएगा, और थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे। देखिए, पानी और थोड़ा पानी ऐड कर चुकी हूँ मैं, इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते होंगे आप। अब इसको इसमें हम उबाल आने देंगे। नमक सब डाल चुकी हूँ। एक बार उबाल आने के बाद इसमें नमक और इमली का पानी चेक कर लेंगे, खटा और कम है क्या। देखिए, इसको ढक के रख दी थी मैं। देखिए, इसमें उबाल आ चुका है और पक भी रहा है। इसको कम से कम 10 से 15 मिनट इसी तरह से हम पका लेंगे पहले। देखिए, 10 से 15 मिनट से पक रहा है ये, थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। अब ये मछली डालने के बाद थोड़ा और पतला हो जाएगा, इसीलिए हम ऐड कर लेंगे। 1 किलो मछली ली हूँ मैं इधर, इसको ऐड कर रही हूँ। देखिए, इसमें ऐड कर चुकी हूँ। एक बार हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा पकने के बाद मिक्स करेंगे तो टूट जाएंगे, बस अभी थोड़ा मिक्स कर देंगे। और मिक्स करके इसको चख लेंगे, अगर नमक कम होगा तो थोड़ा ऐड कर सकते हो अभी से। अब इस मिक्स करने के बाद इसको ढक के कम 5 मिनट तक पका लेंगे हाई फ्लेम पर। देखिए, इसको ढक के 5 मिनट रख चुकी थी मैं। ये मछली अच्छे से गल भी गई है, देख सकते होंगे आप। और इसमें थोड़ा धनिया पत्ता ऐड करके इसको बंद कर देंगे। देखिए दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार सालन बहुत इजी वे में बन के तैयार है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।